हम अपन माँ के आपके घर लेके आए रहनी, सबके सामने माफी मंगवेनी उनसे, कहें कहें कि वो गलत रहनी, वो आपके और आपके परिवार के रेस्पेक्ट के साथ मजाक के लिए रहनी। ओकरे बात से हमार और हमरे परिवार में आपके खातिर जो रिस्पेक्ट बा वो हम आपसे बयान ना कर सकेनी। आप जे कैले बाड़े वो केहू भी, लेकिन उनमें हम आपन रिस्पेक्ट के साथ खेले के छूट केहू के ना दे सकेनी, फिर चाहे हमार केहू आपन ही कहे ना होके, केहू भी कितना भी सगा करीबी होके हमारो हमरा सामने आपन हद ना लांग सकेला। तो त्रिशा के भी हाँ, अरे भाई नाच देखत रहनी हम तो का नाक देखा गेली हम क्यों। फिर भी ओकराई हरकत के बाद हम चुप रहनी, जाने नहीं कहें कहे कि हम आपके परिवार के नीचा ना दिखा सकत रहनी। आप लोग आज हमारे मेहमान बाड़ी यहां पर, हमारे एक रिएक्शन से बवाल हो जाती, यहां पर फंक्शन जन बाओ बर्बाद हो जात। सही में उर्मी त्रिशा की हरकत हमार बर्दाश्त के बाहर रहे। अब खुद अपना आग से देखनी कौना तरह से हमके सबके सामने बेइज्जत के लसु के करेला ईसान अपन ब्रदर इन लॉ के साथ। अगर आपके बहन के जगह के और हरकत ना था और हमारी घर ना हो खत्ता, फिर पता चला था हम क्या करते। आप गलत समझ रहे बानी, वो जानबूझ के ऐसा कुछ ना कैलस। हमके बात के कोनो फर्क ना पड़ेला कि कोनो कारण से ऐसा घटिया हरकत कैलस, वो कैलस बस हम ही जाना था नहीं, और ये हमारे सहन के बाहर भाई आप जाना था नहीं। सॉरी। आप कहे सॉरी बोल रहल बानी? वो भी आपसे सॉरी बोली, हम अभी ये बुलावत बानी ओकरा के। ना ना उर्मी, सॉरी वाली ना सुने के बा हमके, हम तो बस एक ही चीज चाहता नहीं, दैट्स इट। का चाहत बानी? हमरा के लेके शादी में नजर ना आने के चाहिए उर्मी। मतलब ये कि जो इंसान है शादी से खुश नहीं खे, वो शादी के हिस्सा ना होके, दैट्स फाइनल। कह दो उसे यहां से चल जाए। आप ही का बोल रहे बानी सम्राट जी? ऐसन बिल्कुल ऐसन ही बा उर्मी, ऐसन ही बा। एक्चुअली हम आपके दुख ना पहुंचाओ चाहते नहीं आपके सच बता के, लेकिन त्रिशा हमके खुद मिलके ये बात कहने भी है। यकीन है कि आवत तो जाके पूछ लियो करा से। एक और बात, अब आप हमार पत्नी बने जा रहल बानी, हमार इज्जत आपके इज्जत और हमार बेइज्जती आपके बेइज्जती होके के चाहे। समझ लो, अगर हमार जरा भी परवाह बा आपके, तो लेकी कोनो भी हालत में हमके यहां ना दिखे के चाहे। त्रिशा जी आज कैलास अच्छा ना लगा हमें।
उर्मी त्रिशा आपके पसंद ना करे दे, ये बात अच्छा तरह से जाने दी, ये बात के छुपाव बंद करिए प्लीज। और ये बात क्यों ना बल्कि त्रिशा हमसे खुद कह दे भी अपन मुंह से। तो के सम्राट जी पसंद ना बानी का ना काहे बस नहीं थी पसंद। जौन इंसान इस शादी से खुश नहीं थे वो इस शादी के हिस्सा ना हो सकला, दैट्स फाइन। अगर हमारा जरा भी परवाह बा आपके तो लेकी कोनो भी हालत में हमके यहाँ दिखे के ना चाहे। अरे सुनो, अच्छा से छुपा के लिखिए सम्राट जी के नाम, ऐसे क्यों ढूंढत रह जाए फिर भी ना मिले। हाँ एकदम छुपा के लिखिया, भर दिया हाथ पूरा। अरे बुआ जी, इनके हाथ में शक्कर के पानी तो लगा दी ताकि रंग उतरे तक झड़े ना, रंग ऐसे और चटक हो जाए। अरे हाँ हाँ, हम जरूर लगाई और कहीं लगाई या ना लगाई, लेकिन हमरा बन्नो रानी के रजा जी के नाम पे तो जरूर लगाई। बाकी मेहंदी झड़ जाए कोनो कम नहीं खे, लेकिन सम्राट के नाम ना निकले के चाही, जम के रंग आवे के चाही। का है और मी हा? अभी तो नाम के सहारे ही रात कट रहा होगी बना। SAMRAT रात सम्राट। अरे दिख दिख दिख, कैसे सांस तेज हो गई हमारे रानी के राजा जी के नाम पे। अम्मा देखा ही कुछ साड़ी बा, उर्मी की ननिया सास के देवे के बा, देखा आपके कौन सा पसंद आवत बा, हमके नीली वाली बहुत अच्छी लगी बा, ये भी बहुत अच्छी बा। अरे ननिया सास बा दी चाय, ये वाला ठीक रही ला। बस रख दे। त्रिशा तू भी एक काम कर, बैठ के मेहंदी लगवा ला जल्दी से। हा? अरे मम्मी जी पहले पूछ तो ला, मेहंदी लगवावे के मूड बा की नहीं खे मैडम जी के, वरना पता चलल कहीं फिर से दिमाग सटक गई तब कहीं एक रह पे बिना बवाल मचा दे। ऐसन काय कर रहल बिया बहू, त्रिशा के बहन के साथी बा मेहंदी कैसे ना लगवाई बाना त्रिशा? अरे मोड़ी मन मौजी लेके भी आई, पूछल तो जरूरी बाना, जब भरा महफिल में सारा समाज के सामने बिना वजह अपन जीजा जी की बेइज्जती कर सकेले तो कुछ भी कर सकेले। ये बात काहे खोद रहल बा, भूल जा, बीतल बात की जिक्र मत कर। अरे इतना बड़ बात के ऐसे कैसे नजरअंदाज कर दी दादी? एक घर से जुड़े वाला रिश्ता में खटास डाले की हरकत कैले रहले की नहीं लेखी? अब आप लोगन में से केहू पूछलस कि ऐसन का बात हो गई रहे जेकरा वजह से ये पूरा प्रोग्राम चौपट कर देले रहल? अरे बहाना बनावे के था और बहुत बना सकेले, जरा देखी था कहां से एकर तबीयत खराब लागत बा, जरा हमके भी तो बतावा कौन सा रोग भइल बा तोके, ना बतावा हम जाने चाहत बानी। ना बा हमार तबीयत खराब था। त्रिशा चुप हो जा एकदम, अपन बड़ भाभी से ऐसे बात करे लेगा? ना ना मौसी जी, कहे दिए कि पैसे भी ऐसे इज्जत पावे कि हमने की कौनो उम्मीद भी ना बा, वो सब जाए दी। तो ये बतावा कि जब तुहार तबीयत खराब रहे ही ना, फिर काहे काहे हमार भाई के जान बूझ के बेइज्जती कैले रहलू तू, का कैले रहे हो? अरे पैसा इतने छावर कैले रहे ना, वो भी 500-500 के नोट, हमके वो सब पसंद ना बा बस। अरे वाह वाह वाह, इतना नखरा रहे तुहार तो नहीं खिचल तू, हाँ मना कर दे तू, अरे साफ साफ इनकार कर दे तू कि इज्जतदार फंक्शन में चलल तो के बिल्कुल भी पसंद ना बा। अब त्रिशा इतना भी जरूरत ना रहे तुहार कि हमने तुहार हाथ पैर जोड़ के कहे कि चला चला हमने के साथ ना। बहुआ बस कर, भूल जा, बीतल बात पे काहे लाठी मार रहल बिया। अरे अम्मा आपके पता ना बा कितना संभाले के पड़ेला हमने के ये सब बात के।
अरे हमार जबान धस गए रहे बुआ जी के सफाई देत देत। रिश्तेदारी तो हमनी के बाना करे वाले तो करके चल चाले भोगे के किकरा के पड़ी हम सब नी के और हमनी के उर्मी के वो भी पूरा जिंदगी भर। बहू हमके बतावा तू भी सही कर हल बिया तू गलत नहीं खे बिया लेकिन अब भूल जा जे हो गई सो हो गई अब ओकर बात करे से का फायदा। हाँ अब तो चुप रहे हम भी ये चाहत बानी पता ना का बवाल खड़ा कर दे लोग। इतना ठीक बा कि हमार बुआ जी फूफा जी और सम्राट जी बहुत ही अच्छा लोग बानी जे मुद्दा के बढ़ावा ही ना दे ले इनके जगह केहूं और होकत ना तो ऐसा करत की शादी मुश्किल में पड़ जा। हमके पता बा कि कितना मुश्किल से हम अपन बुआ जी के मने ले बानी। अरे जाए दना बहू हम जानत बानी जे भइल वो गलत भइल ई भी मानत बानी कि त्रिशा के ऐसे ना करे के चाहत रहे ओकरा गलती के खातिर हम माफी मांगत बानी। माफी काहे मांगत बानी इतना बड़ गलती कहले बानी हम सूली पे चढ़ा दी ना। देख लू एक गरम दिमाग। अरे समझाइए के कुछ समझाइए के की लईकी बिया थोड़े सुने सीखे। अरे कम से कम अपन खातिर तो नहीं खे अपन बहन की शादी तक चुप रह सके लेना ही देख लिया आप सब लोग देख लिया कौनो ना कौनो बड़ा आनंद करके ही रही पढ़ी लिखी होशियारन। इक्का तमाशा बत्रिशा काहे नाटक कर रहल बड़ू हम नाटक कर रहल बानी और इतना दिन से हम जे टॉर्चर चल रहल बानी ओकर का सब सही और हम गलत। हाँ तोहार हरकत ही ऐसन बा लाख समझाए के बाद भी तोहार रवैया उहे बा जरूरी बा का हर चीज में हर बात पे आपन मर्जी और होशियारी दिखावा चुपचाप ना रह सके लिए दुआ और दिन इतना दिन से चुप ही बानी हम माँ लेकिन वो आदमी जान बूझ के हमरा से पंगा काहे लेला क्यों जाके ओके काहे ना समझावत और हम इतना बार कर चुकल बानी हमके वो आदमी नहीं खे पसंद बस तोहरा से तोहार पसंद के हूँ नहीं खे पूछलस सम्राट उर्मी के पसंद बा ओकरा घर वालन के पसंद बा बस जबरदस्ती तारनहार बने के कोशिश मत करा समझ लू। निर्मला बस करा कब से डाटल जा रही बिया एकरा के बच्ची ही तबिया बच्ची बिया दीदी इतना तो बड़ हो गई बिया इतना पढ़ाए लिखाए सब व्यर्थ एकर वजह से दीदी हमार साथ साथ आपके भी इतना बात सुने की पड़ रहल बा। तोहर कौनो गलती नहीं की लेकिन शादी ब्याह में लड़का वाला के कौन सी बात कब और काहे आखर जाए एकर कौनो कारण ना हो खिला बेटा पता बा इजे लड़का वाला हो खेला ना ये अपना इज्जत की बहुत ज्यादा तवज्जो दे ले और ऐसे में आपन इज्जत बनाए रखे के खातिर हमके भी उनके इज्जत पे ज्यादा ध्यान देवे के पड़ेला। ये तो भगवान के लाख लाख शुक्र बा कृपा बा भगवान के कि सम्राट जी और दूल्हा के तरह नहीं खे वही घर के भी अपन घर समझे ले। तू देख ले रालू जब तू डांस के मन से नीचे उतर के चल गए रालू एक शब्द ना बोले रालू। हाँ उनकर माँ थोड़ा सा नाराज जरूर भइल रहली लेकिन उल्टा तुहार तरफदारी करत रहले देख ले रालू तू। हाँ यही खातिर जी भइल सो हो गई अगर तू वही बात पे उलझल रहलू तो का होगी परेशानी तो के होगी दुख तोहरा के होगी बुरा तोहरा के लगी। हाँ और जहां तक रश्मि की सवाल बा बेटा ओकरा बात के बुरा का मान के वो बेचारी खुद दो बात सुन के आल रहे बुआ के घर से वो खींच उतोरा पे निकाल देलस लेकिन अगर तू हंसत खेलत रह तू तो ओके भी तो मौका ना मिली ना
बात के बतंगड़ बनावे की। यही खातिर अब तू सब भूल जा और बस एक ही बात याद रखा कि तो की अपना चहेती बहन की शादी अच्छा से करावे के बा। हमनी के उर्मी की खुशी खुशी विदा करे के बा ना। एक और बात कही, अगर तू खुश रहू ना बेटा तो कौनो समस्या ना होगी। तू समझ रहल बिया हम का कर रहल बानी। चल अब चल के मेहंदी लगवा ला, उर्मी भी बहुत परेशान होगी बेटा, ठीक बा ना? लेकिन तोहर शादी में आई तो खूब मजा रहे यार, वो लोग इतना। अरे भाई साहब कौन सोच में डूबल बनी? बस कुछ घंटा और बचल बा, बस हमार बेटी पराई हो जाए। भाई साहब ऐसा कहे सोच रहल बनी आप? ई सच बा, यही से सोचे के पड़ रहल बा। ए बात के खुशी भी बाकी उर्मी के एगो बहुत अच्छा घर एक अच्छा परिवार मिल गए, ओकरा के कोनो तकलीफ ना होखी, वहां हमार सर के बोझ हल्का हो गए, ये सोच के मन के तसल्ली मिल जाला। एक जिम्मेदारी ते पूरा हो गए, अब अनुष्का भी निपट जाए तो बस गंगा नहा ले बा। गंगा बेशक नहीं, लेकिन बेटी के बोझ उठावे के वक्त नहीं है, बल्कि बेटी के बोझ उठावे के लायक बनावे के खुशी में। ये सब बात कहे और सुने में अच्छा लगे लपदम जी, पर आज भी सच ही है बाकी बेटी के जन्म से ही होकर शादी के चिंता होखे लागेला। बेटी कितना भी लायक काहे ना होखे, हर बाप यह चाहेला कि होकर शादी एगो अच्छा घर में करे, और ओकरा खातिर ओकरा के जौन मशक्कत करे के पड़ेला ना, वो दुनिया के सबसे भारी बोझ बा ओकरा खातिर। लेकिन हम तो ऐसा ना सोची ले भाई साहब। आपके ना सोचे से जमानत ना बदल जाना भाई, बाकी लोग भी हमरी तरह से सोचे लन, और जब बेटी के शादी खातिर बाहर निकले लन ना तो उनके जौन जौन सहे के पड़े ला ना, तौबा। मौसा जौन भी ओके, पर सच तो यह बा ना कि लड़का के शादी और लड़की के शादी इमें बहुत फर्क होखेला। लड़की वाले हमेशा हमेशा दबाव में रहेले। अब जब उर्मी के शादी होत बा तब ये एहसास होत बा, ना तक केहू के बात सुन के हमनी के सांस रुक जाए, ऐसा स्थिति भी नहीं के हमनी के। लेकिन अच्छा बात तई बा कि हमनी के उर्मी बिटिया के नसीब बहुते तेज बा, कि ओकर रिश्ता इतना अच्छा जगह और इतना बड़ा घर में हो रहल बा। हाँ भाई साहब, हम माना तानी की तालमेल बैठावे में थोड़ा समय जरूर लगी, लेकिन सब ठीक हो जाए। हमनी के बिटिया इतना गुनी और इतना संस्कारी बिया कि वहां जाके सब लोगन के दिल बहुत जल्दी जीत के ही। आप देख लिया भाई साहब, सबके दिल पे राज करी हमनी के बिटिया। माँ हाँ, वो नानी वगैरह के बोल देनी आए खातिर सगाई में, नंदन जी के फोन आ रहा है, ये नंबर बा शायद। हाँ ये नंबर बा, हमार बात हो गल बा, टाइम पे पहुँच जाइए, विक्रम भैया जा रहल बानी लेवे। ठीक बा। वो शाम क्या रहल बड़े तब तो देखा था नहीं क्या हुआ और चल जाए लेवे खातिर। भाई लड़का के मामा के घर में रहल बहुत जरूरी बा का साले साहब? हाँ बिल्कुल, मामा होखे नहीं खातिर, सर के बल खड़ा रहे ले काम खातिर। अच्छा हंसी मजाक में ये मत भूल जाइए कि केकरा के भेजे के बा, टाइम पे भेज दी है। टेंशन मतला, सब काम ठीक से हो जाए। का भाई सम्राट, तू न लगा बाबा तारा मेहंदी? अरे यार तू तो ऐसे लुक देता रहा जैसे हम कोनो बेहुदा बात बोल देनी। अरे मजाक करा था नहीं यार,
और आप सब इतना सीरियस काहे बनी? अरे हंसी था। का बॉस, का प्लान्स बतार? आजादी के आखिरी दिन खातिर का इच्छा बतार? करे का चाहत बड़ा अपन फ्रीडम के लास्ट दिन पे? हाँ कहा लास्ट डे लगे ले बड़ा तू? हाँ शादी और अलवा करनो सजा के काला पानी ना हम जैसन बानी वैसन रह भाई। एक लेखी के आवे से हमार जिंदगी बदले वाला नहीं खे। और रहल बात आजादी के, ते हम हुकूमत करे वाला मर्द बानी, गुलामी करे वाला सौहर ना बानी। मुक्ति कॉफी लेके आवा। सही कह रहे अलबा बेटा, मर्द ऐसे ही अच्छा लागे ले। और आगे भी तू अपना बात पे ऐसे ही अटल रहिए, बीबी के गुलामी मत करिए, ना तो जिंदगी भर यह करत रह जाइबा। एक बार बीबी के गुलामी कैला ना तो जिंदगी भर बाहर निकले के रास्ता नहीं के ढूंढ पाइबा। ऐसा ना हो कि माँ और कमी का पूरा करेगा तिरबाना हमारे घर में लाइव एग्जाम्पल दिवाकर भैया। बस एक काफी हुआ घर में, हम वैसे ही रहा जैसे एक मर्द के रहे के चाहिए। तोहरा से तोहार पसंद केहू ना पूछलस, सम्राट उर्मी के पसंद बा, ओकरा घर वालन के पसंद बा। बस सम्राट सिंह राठौर से टक्कर ले रहा बड़ू तो एक भी चाल कामयाब ना हो के देव तोहरा। सुतलू ना तू अभी तक? नींद आवत रहे, तू काहे ना सोइलू अब तक? हमके तहरा से कुछ बात करे के बा। बोला तहरा के सम्राट जी बिल्कुल पसंद नहीं थे ना? रात काफी हो गई बाबू, तो कि सो जाए के चाहिए। हमार बात के नजरअंदाज मत करत रिशा, सवाल के जवाब दतो के सम्राट जी पसंद ना बानी? हाँ नहीं खे पसंद, कहे कि हमरा के लगे ला के सम्राट तोहरा खातिर सही ना बानी। सच बताइए त्रिशा, का तू सम्राट जी से कहले बाड़ू की तू ना चाहे लो कि हमार और उनका शादी होखे? बहुत अच्छा भाई, जे वक्त रहते तू अपन असली रंग दिखा देला। हम तो वैसे भी ना चाहत चली कि उन्हीं की शादी तोहरा से होखे। अब ये सब डिस्कशन करके का फायदा? हमार सवाल के जवाब हाँ या ना में दिया, हम क्या और कुछ ना सुने के बा? हाँ कह ले रहनी। लेकिन ये आधा सच बा, सम्राट तोहरा के पूरी बात ना बतावले। जितना भी बतावले बाड़े, लेकिन बतावले तो बाड़े, तू तो हमके कुछ भी ना बतावलू त्रिशा। हम अच्छा तरीके से जानत रहले कि तू सम्राट जी के पसंद ना करेलू, लेकिन कबो ना सोचले रहनी कि तू जाके ई सारा बात कह देबू। उर्मी सम्राट सही आदमी ना बाड़े। बहुत उल्टा सीधा कह देलू तू सम्राट जी के बारे में। मत भूला कि वो हमार होखे वाला पति बाड़े, और उनके होखे वाला पत्नी होखे के नाते हम उनके बारे में इतना घटिया बात ना सुन सके नी। तू अच्छा तरीका से जाने लू त्रिशा, सम्राट जी बहुत अच्छा इंसान बाड़े, सब उनकर इतना तारीफ करे ले, फिर तोरा का प्रॉब्लम बा? काहे खुश ना बाड़ू तू इस शादी से? का तोरा हमरे किस्मत से जलन हो रही बा? काहे पीछे पड़ल बाड़ू तू हमरे शादी के? काहे चाहिलू कि ये शादी टूट जाए? तोहरा के ये शादी से इतना ही प्रॉब्लम बा, तोहरा के सम्राट जी इतना ही ना पसंद बाड़े? अगर तोहरा के लागेला कि शादी में सब कुछ इतना ही गलत हो रहल बा, तो तू ये शादी में शामिल काहे हो रहल बा? का जरूरत बा ये सब की?
सम्राट ई तोहरा खातिर हमरा और कंचन के तरफ से। का भाई देख ले का भाई फ्लाइट के टिकट बगा हनीमून पैकेज क्या जा रहा आप जाता नहीं हनीमून पर। अरे तू जा रहा बड़ा का बात बात दिवाकर भैया हिमाचल हा? सुपर्ब डेस्टिनेशन वेरी नाइस आई एम इम्प्रेस्ड। ये आप वापस कर दी हम कहीं ना जा रहा बनी कहा है भाई कहा होगल का हम कहीं ना जा सकता नहीं ईशान यहाँ हमारा काम चौपट हो जाए यार आप सभी बेकार की चीज में अपन काम भूल सके नहीं जो सालों मेहनत करके खड़ा के लिए बाबू कैसे भूल सकेला हमरा जरा से यहाँ से और होके में हमार बिजनेस के कितना नुकसान पहुंची हम जानी ला ते खातिर क्यों कहीं ना जा रहा बा। अरे यार तू आदमी बड़ा या मशीन तहरा दिल में इमोशन नाम की चीज बा या ना जिक्र के जे समझे बहु समझे दिस इज माई फाइनल डिसीजन। सम्राट डिसीजन लेवे में इतना जल्दबाजी मत करा अगर तू उर्मी के दो चार दिन दे देबा तो एकरा में तुहारी फायदा होगी तुहार रिश्ता के शुरुआत मजबूत और अच्छा होगी एक दूसरे के समझे खातिर टाइम मिली तू दोनों के जवना तरह एक बिजनेस के खड़ा करे खातिर टाइम लागेला ना वही तरह एक रिश्ता के मजबूत बनावे खातिर भी टाइम लागेला। तो क्या करी बीबी के हाथ पकड़ के पहाड़ पे जाके गाना गाई तुम भी हो बस तू और क्यों ना बिना बाहर गए रिश्ता मजबूत ना हो सके ना हम कहीं ना जाब दैट्स फाइनल क्यों बहस ना करिए बारे में हमरा से परेशान बाड़ू ना ये सोच के कि उर्मी काल चल जाए पता ही ना चलल हमके इतना जल्दी बड़ी हो गए हमार बिटिया कि ओकरे विदाई के घड़ी आ गई हमार जी मन बाना माने की तैयार ही ना अभी काल ही की तबात बा कैसे लड़त रहे हमसे मम्मी ई बार दशहरा में नया कपड़ा ना दिलाएलु तू और वो अनुष्का से ऐसे लड़े ले परेशान हो जाए ले हम तो समझा के फिर गुस्सा के बोले ली हम भगवान करे तो हर हाथ पीला हो जाए जाप निकल हमके का पता है इतनी जल्दी सच मुझे हम सब के छोड़ के अपने घर चल जाए बच्चों की बचपन इतना जल्दी काहे बीत चला जी अब देखो ब्याह करके अपने बाकी तोरा के तो खुश होके के चाहे कि हमने की उर्मी के किस्मत बहुत अच्छा बा कहे कि ओकर शादी इतना बड़ा और इतना अच्छा घर में और यही शहर में हो रहा ना तो लोगन के तब अपन बेटी के ब्याह कहके विदेश तक भेजे के हो खेला और सालों साल बीत जाला अपन बेटी के चेहरा देख लेकिन हम तो अपन बिटिया से जब मन हुई तब मिल सके नहीं जब मन कैला सुकरा के घर बुला लेनी और जब मन कैला सुकरा घरे चल गई है ना पर एक अजीब से डर बा हमरा मन में अरे सम्राट के लेके ना जी ओकरा खातिर ता हमरे मन में कौनो शंका ना बा तसल्ली बा वो हमार उर्मी के बहुत ध्यान रखी है बहुत ख्याल रखी ओकर लेकिन उनकर माँ
उनकर माँ के लेके हमारे मन में एक शंका बा। पता ना कैसे व्यवहार करिए हमारे उर्मी के साथ, इतना सब कुछ ही हो गए बा। उस सोच के हमारे मन में एक डर सा बा। पता ना उर्मी के साथ तो ठीक रही है भी कि ना। इतना सोच के तू बेकार में परेशान हो रहा बड़ो सरोज, ये सब बात अपन दिमाग से निकाल दा। और देखा, हर शादी में इतना तो होखेला है, माँ बाप मौसा मौसी चाचा मामी ये सब ना शादी में थोड़ा बहुत आपन वाली करेलन ही। अब कहीं कुछ ज्यादा बवाल हो जाला और कहीं समझदार लोग ऐसा बात के नजरअंदाज करके अनदेखा करके आगे बढ़ जाले। तू ही सोचा सम्राट कितना समझदार बा, अपने माँ के भी एक ना चले देलस है ना, वहां भी उहे कंट्रोल में रखी। और तू देखिया हमार उर्मी के साथ सब कुछ अच्छा होखी, सम्राट के रहते उर्मी के कबो कोनो चीज के नाता कमी होखी और नहीं दिक्कत होखी देख लिया। भगवान करे ऐसा नहीं होखे। अच्छा से नहलावा हमार बेटा के, आज इनकर शादी होखे वाली बा, झांसी के सबसे अच्छा दूल्हा दिखे के चाही जी। हाँ का भाई, आज बकरा हलाल होखे वाला बा, कौनो कसर मत छोड़िया आंटी लोग, अच्छे से नहलाइया करा के। तोरा कहता हम देख ले, आज तो हमार देवर जी राजकुमार दिखे के चाही। वैसे का भिखारी लागे लगा। अरे ना देवर जी, आप कैसन बात कर रहे बड़े, पूरा झांसी में बाके हूँ आप जैसन हीरो, और वो हीरो अपन शादी में राजकुमार ही दिखी ना। सही कह रहा बाड़ू। दिवाकर भैया कैसे चढ़ावे लो ना झाड़ पर बोल बोल के। अरे ना ना, इनकरा पे इतना मेहनत करे के जरूरत ना पड़त, वो वैसे ही पेट पे चढ़ल रहे ले। देखा ना कितना सुंदर लग रहा बा। सच में नजर ना लगे दुल्हन के। अरे हटा हटा, देखा एकरा के लगवला के बाद कैसे निखरेला हमार सम्राट बेटा के चेहरा। अरे मामी आप भी। अरे अरे आप का है, का है? देवर जी कहाँ भाई, शर्म आ रहल बा। अरे शर्माई का है, जब ही पैदा भइल रहे ना तो ये धोती भी ना पहनत रहे। तब भी हम ही नहीं ले रहनी एक रखे, अब बड़ा हो गए तो का बेटा तो हमार ही बाना। चला अरे पक्का संभाल के ले जाइया बेटा। अम्मा अम्मा ये देखी, सुंदर लगी ना सम्राट जी पे। सुना इल ये सामान भी वहीं ले जाए के बा, ठीक बा। माँ हमार लहंगा ढीला बा, अब हम का करी, शादी में का पहना। अरे तो ढीला ही पहन ला, इतना ढीला तो ना कि सरक जाए। का दादी हम का चून दिखा, और दूसरा और वाली लड़की वो कहिए कि दुल्हन के बहन के तो बिल्कुल ड्रेसिंग सेंस ना बा, तेरे तरीके सब हंसी है हमरा पे। तलावा हम पहन ले बानी, आई लाइक हमरे कमर से तो सर की भी ना। का भाई इला टाइट करके पहनना। तू हमारे प्यारी मम्मी बाड़ू ना, टाइट कर दे एक रा। हाँ हाँ हमारे पास तो दिन में और कोनो काम ही ना आबा, चला हटा यहाँ से। हाँ तो हम ही जाए शिपरी बाजार एक रा टाइट करा का है। जा केहू के भी फिकर ना बा हमार, हम ना जाए कोनो शादी वादी में। हाँ बिटिया महाराज कहे हो खेली, निशान लगा के हमके दे दे, हम सिल दे पानी। ले तोर काम हो गई सच्ची। इला मौसी थैंक यू सो मच। का ये उर्मी दीदी खातिर आइल बा? अरे तोरे भेजले के बा। विद लव फ्रॉम सम्राट। ये सम्राट जी भेजले वाले उर्मी बिटिया खातिर बाई है। ओह वाओ सो रोमांटिक। अरे उर्मी बाहर आ जा। मौसा जी हम के दिना। अरे ना 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 तोहरा के काहे दिखाई हम। साली मानी जी जुके का भेल भाभी। ये देखा तू ही देख ले बाबा,
तो फाइल बा हमार राजकुमारी साहिबा के राजकुमार के तरफ से। कौन आता शिकायत चल जाए अगर सबसे पहले हम खोल देनी तो खोला बाबा जल्दी खोला दा 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 दा। खोला खोला जल्दी खोला। जल्दी जल्दी देखनी किस्मत की कितना धनी बा हमार उर्मी। इतना अच्छा ससुराल और का चाही भला। और हमके देखा हमके तो कबो ऐसा गिफ्ट ना दे ले। और एकरा के देखा शादी के पहले ही इतना प्यार। अरे वाह कबाद। माँ अनु या त्रिशा के भेज के उर्मी के गजरा मंगवाला। साथ में जयमाला भी आ जाई। हाँ बेटा जा त्रिशा दीदी के बुला ला। दादी हमरा खातिर भी गजरा। हाँ हाँ हे भगवान हमके उर्मी की नजर से बचावे के लाने लोहे की कील देवे के बा। हम तो भूल ही गई अभी आवत बानी। त्रिशा दीदी कहाँ बाड़ी अंदर उतना बाड़ी पता ना कहाँ गई कहाँ चल गई। ओ त्रिशा वापस चल गई बा। का वापस चल गई मतलब कहाँ चल गई। ओकरा कॉलेज से फोन आयल रहे कुछ जरूरी प्रैक्टिकल बा एक खातिर ओकरा के जाए के पड़ल। शादी के बाद चल जात बहन के शादी से बढ़ के काम रहे जे आज ही चल गई। साल भर के पढ़ाई के बाद बना तब एक दिन खातिर पूरा साल बर्बाद हो जाए ये तो सही ना रही ना। हाँ हाँ वो ठीक बा पर ऐसे कैसे अचानक से चल गई। और अगर हमार बुआ के यहाँ से केहू पूछलेस की त्रिशा कहाँ बा हम कहाँ जवाब दे। हे भगवान इतना मुश्किल से तब पहले वाली बात संभाले रहनी और अभी ठीक कह रहल बिया। और तू लोग भी एक बात दिमाग में बैठा लो कि केहू के दिमाग में ध्यान ना आवे कि त्रिशा शादी में ना आ रहल बिया। हम और कोनो झंझट ना चाहत बानी बस। हे प्रभु शांति शांति से इस शादी निपटाए दा बस। अरे बेटा अब कुछ काम रहेगा हम ना गेस्ट हाउस जाए के तैयारी कर रहल बानी। दीदी के भी सामान ले ले ली हम। त्रिशा के कोनो काम ना रहे मौसी। हम जानत बानी मौसी वो हमसे नाराज होके यहाँ से चल गई बिया। ना बेटा सच में ऐसा कुछ ना बा बस वो तोरा से बहुत प्यार कर ले ना एक खातिर तोहरा बारे में ज्यादा सोचे लागल रहे और कौनो बात ना बा। काश त्रिशा समझ पाती मौसी सम्राट जी बुरा इंसान ना बाड़े। और मैं बेटा शादी एक लड़की खातिर नया रिश्ता के साथ साथ एक नया परिवार के शुरुआत भी होखेले जे की लड़की के सारा जिंदगी निभावे के होखेला। और लेकी ओकर नीव अपन त्याग और समर्पण से ही मजबूत करेले। सब कुछ छोड़कर एगो पत्नी के अपन पति के सबसे पहले सुने के चाहिए बाकी कुछ ना। एक खातिर तू सिर्फ ओके बारे में सोचा और त्रिशा तोहरा से दूर थोड़े ना गई बा। देखिए वो तोहरे साथ पहले जैसन फिर से आके रही।